आपने तो बहुत बार भेलपूरी खाए होंगे, बट कभी आपने खाया है मखाना भेल? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं मखाना भेल, क्योंकि व्रत करने के बाद मन करता है कुछ चटपटा खाने के लिए। तो मखाना भेल बहुत ही पौष्टिकदार भी होगा, क्योंकि मखाना से हमें ताकत भी मिलेगी। तो बट उससे पहले, मैं हूँ खुशबू कनौजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू आपका स्वागत करती हूँ। और आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को लास्ट में नोट कर दिया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में ऐड करेंगे मखाना और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, ना इसमें ऑयल ना घी। इसे हम एक दो मिनट के लिए चलाते रहेंगे कि जब तक ये कुरकुरे ना हो जाए। इसे हम चेक करते हैं कि ये कुरकुरे हुए हैं कि नहीं। तो देखिए ये कुरकुरे हैं, अब ये रेडी है। तो गैस को विथड्रॉ कर देंगे। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और हम उसमें ऐड करेंगे टमाटर और खीरा, साथ में ही हम प्याज ऐड करेंगे और मिर्च ऐड करेंगे। एक एक कर हम सारी इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करेंगे, जो कि मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स भी कर देंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह की कम बजट में रेसिपी आप लोगों के लिए लाते रहती हूँ। तो मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अब ये रेडी हो गया। अब मैं इसे आपको बाजार की तरह ही पेस करूँगी। तो इसके लिए मैं एक पेपर लूँगी और पेपर में ऐड करेंगे भेल। तो चलिए इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसे हम गार्निश करेंगे चाट मसाला, हरी मिर्च और सेब से। लीजिए तैयार है बाजार वाले स्वाद वाला भेल पूरी, सॉरी मखाना भेल। और जायकेदार बनाने के लिए इस पर थोड़ा सा सेब और डाल देते हैं। मैं आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकती, बट मैं इसे टेस्ट कर बताती हूँ कि ये कैसा है। ये बहुत ही यम्मी है, आप भी इसे अपने घर पर। तो इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करना होगा। तो इंग्रेडिएंट्स है आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी इसका मज़ा ले सके। और सबसे खास, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आप अपने घर पर कम बजट में बनाएं और अपने फैमिली को खुश करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें। टेक केयर एंड नमस्कार।